हरियाणा के बड़े प्रसिद्ध कवि फौजी महेश सिंह जी जब फौज में जाने की तैयारी कर रहे थे तो उनकी पत्नी प्रेम कौर उनका हाथ पकड़ लेती हैं और ये कहने लगी, पियाजी आप तो फौज में जा रहे हो, ये बताइए मैं यहाँ पे अकेली कैसे रहूंगी। न्यू कहने लगे फौजी महेश सिंह जी की गोरी, मेरा फर्ज है कि मैं भारत माता की रक्षा के लिए सीमा पे लड़ाई करने के लिए जाऊं, क्योंकि एक फौजी वीर का यही सपना होता है कि चाहे उसकी जान चली जाए लेकिन वो अपना कदम पीछे नहीं हटाता। न्यू कहने लगी, पिया जी मैं मानती हूँ कि आप एक फौजी हो और अपने परिवार से ज्यादा आपका फर्ज भारत माता के लिए ज्यादा बनता है, लेकिन पिया जी आपके बिना मैं कैसे रहूंगी। ये कहने लगे कि जैसे और फौजियों की पत्नी रहती है वैसे ही तुझे भी रहना है, मेरे माता पिता है इनकी सेवा करनी है, मेरे परिवार का ध्यान रखना है, 6 महीने में मैं छुट्टी लेके वापस आऊंगा। न्यू कहने लगी, पिया जी जा तो रहे हो लेकिन वहाँ जाने के बाद भूल मत जाना मुझे। क्या कहती है सुनते, हे रे फौज में जाके भूल न जाइए, तू अपनी प्रेम कोरने डर डर के मर जाऊंगी पिया में देख के घटा घोरे ने। आ जा प्यार झूठा सही दुनिया को
यदि हो जा माल मेरा ना हो, कहीं मौत का कोई भरोसा हो जा माल मेरा ना हो, कहीं मौत का कोई भरोसा हो जा माल मेरा ना हो। हेरे बिना मोरनी कौन नचा, ओ बिना मोरनी कौन नचावे, रंग रंगील मोरने, अरे डर डर के मर जावी पिया में, का मुझ पे हुआ ये असर है, ना अपनी खबर है ना दिल की खबर है, तेरे इश्क का मुझ पे गुलाबी चमके से जैसे बिजली पूरे पोर होठ, गुलाबी चमके से जैसे बिजली पूरे पोर की, होठ गुलाबी चमके से जैसे बिजली पूरे पोर की, मेरे कठपुतली की तरिया ना ओ कठपुतली की तरिया ना छू, जब तो हिलावट तोरने कैसे भरू सबर की घोट पिया, तेरे बिना क्यों करती हूँ।